हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नए यूट्यूबर हैं वो अपने जो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आप सबको पता होगा कि अगर आप यूट्यूब पे आते हो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आते हो, तो अपना चैनल बनाते हो, तो यूट्यूब का जो फर्स्ट टारगेट होता है, जो यूट्यूब का आपको टारगेट जो ना वो अचीव करना पड़ता है, वो ये है कि आपके चैनल के ऊपर जो ना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना ज़रूरी है। यानी कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर आपके चैनल के ऊपर होगा, तो ही यूट्यूब जो ना वो आपके चैनल को मोनिटाइज करेगा, तो ही आपके चैनल की मोनिटाइजेशन को इनेबल किया जाएगा, तो ही आप यूट्यूब से जो ना वो अर्निंग कर सकते हो। ये तो आप सभी को पता ही होगा। और काफ़ी सारे नए यूट्यूबर हैं कि जिनका ये मसला आ रहा है, जिनके काफ़ी टाइम से ना तो सब्सक्राइबर कंप्लीट हो रहे हैं और ना ही उनका जो वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है, और वो जब भी वीडियोस अपलोड करो तो नीचे वो कमेंट करते रहते हैं कि मुझे सब्सक्राइब करो, मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा, मुझे सब्सक्राइब करो, मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा। तो ऐसा करके तो वो कुछ सब्सक्राइबर ले लेते हैं, लेकिन उससे जो ना उनके चैनल के ऊपर जो ना उल्टा जो ना वो बैड इफेक्ट पड़ता है, और उनके चैनल में जो ना आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो ना वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप भी नए यूट्यूबर हो, आप भी इंटरेस्टेड हो वीडियो में, अगर आपका भी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा या आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे, तो इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड जो ना बताऊंगा जिनसे आप इजीली जो ना अपना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर गारंटी के साथ जो ना वो पूरा कर सकते हो। आप में से कम ही लोगों ने जो ना वो ऐसी वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखी होगी और कम ही ऐसी वीडियो यूट्यूब के ऊपर जो ना वो बनी होगी। तो बिल्कुल मैं आपको जो ना थोड़ा सा हट के बताऊंगा कि आपने कैसे जो ना इसको इजीली कंप्लीट करना है और आपका चैनल 100% जो ना वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो वीडियो बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनके सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए हैं लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। आपको पता है कि गूगल का ही एक जो ना वो YouTube गूगल का ही एक जो ना प्लेटफॉर्म है, तो गूगल जो एडवर्टाइजर होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो YouTube को कहता है कि आप हमारी जो ना एडवर्टाइजर करो, ठीक है। तो YouTube उसकी जो एडवर्टाइजर वो अपने चैनल के ऊपर करता है, तो इसका ही एक जो ना वो अकाउंट है जिसको बोलते हैं गूगल एडवर्ट, ठीक है। तो आपने गूगल एडवर्ट के थ्रू अपने चैनल को प्रमोट करवाना है यूट्यूब के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके जो ना 1000 या 1500 रुपये लगेगा, ठीक है, आपका जो सब्सक्राइबर बेस है वो आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने प्रमोट कैसे करवाना है कि आपने एक ऐसी वीडियो बनानी है जो कि सर्च लेबल हो और जो कि उस टाइम की जो ना ट्रेंडिंग में चल रही हो या उसकी सर्चिंग ज़्यादा हो, जो लोग सर्च कर रहे हो, तो ऐसी एक वीडियो आपने जो ना वो बना के तो वो गूगल जो ना एडवर्टाइज से प्रमोट करवानी है, ठीक है। तो जब आप गूगल एडवर्टाइज से प्रमोट कराओगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो चैनल की रीच है, आपके जो रीच है वो आगे तक जाएगी, ठीक है। उससे आपका जो वॉच टाइम है वो तो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन वहां से जो आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे वो आपके सब्सक्राइबर जो ना वो एक्टिव हो जाएंगे और उस सब्सक्राइबर का आपको फायदा हो जाएगा। और यूट्यूब जब भी आप नई वीडियो अपलोड करोगे तो उन लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचाएगा जिनने आपकी फर्स्ट वीडियो देखी थी जो आपने प्रमोट करवाई थी गूगल से, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो ना वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वॉच टाइम के लिए आपने क्या करना है कि जब आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता है कि जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो ना वो यूट्यूब पे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, ठीक हो गया। तो लाइव स्ट्रीमिंग करने से क्या होगा कि आपको जो ना वॉच टाइम बहुत जल्दी इंक्रीज होगा। वो कैसे होगा वो भी आप सुन लें कि आपने करना क्या है कि आपने जो ना लाइव आना है, ठीक है, और लाइव में जो ना तकरीबन आपने 2 घंटे या 1.5 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, ठीक है। उसमें से आपने 5-6 लाइव स्ट्रीमिंग करके ना तो उनकी एक जो ना वो प्लेलिस्ट क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। प्लेलिस्ट क्रिएट करोगे तो उसके बाद आपने कुछ फ्रेंड्स को बोलना है कि यार मेरी ये वीडियो है, ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में मेरी लाइव वीडियो है, तो आपने डेली इनको जानेंगे कि वॉच करके रख देना ताकि मेरा वॉच टाइम इंक्रीज होता रहे, ठीक है। और जब भी आपने लाइव आना है तो कुछ फ्रेंड्स को अपने जो कंटेंट में होंगे उनको बोल देना कि यार मैं इस टाइम पे लाइव आ रहा हूँ, तो आपने जो मेरी लाइव है वो मेरी कंप्लीट देखनी है, ठीक है। तो जो आपकी लाइव होगी घंटे की, वो अगर कंप्लीट देखते हैं तो वो भी आपके घंटे काउंट किए जाएंगे, और बाद में जो लाइव ऑफ हो जाएगी तो आप प्लेलिस्ट बना के उसको रख दोगे, तो जब भी वो वॉच करेगा तो उसका जो घंटा होगा वो घंटों में जो है ना वो काउंट किया जाएगा। और इससे हमने ऐसा करके अपना एक दोस्त का चैनल जो ना इजीली उसका वॉच टाइम कंप्लीट करवाया और उसके चैनल की मोनेटाइजेशन हमने इनेबल करवाई है लाइव प्रूफ के साथ, वो भी आपको चैनल में दिखा दूंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसा करके तो आप अपने चैनल को जो ना मोनेटाइज इजीली करवा सकते हो। ये अदर चीज़ों को आप छोड़ के कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा, मेरी वीडियो देखो, मैं आपकी वीडियो देखूंगा, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो 10 सेकंड 15 सेकंड आपकी वीडियो देखते हैं और आपका ऑडियो टेंशन गिर जाता है और आपके चैनल के जो ना वीडियो जो है वो डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने जो ना गूगल से अपने चैनल को प्रमोट करवाने, गूगल एडवर्ड से, ठीक है, तो वहां से आपको 1000 या 1500 लगेगा, तो आपकी वीडियो की जो ना अच्छी खासी रीच आगे तक चली जाएगी।
तो आपको बेनिफिट हो जाएगा गूगल से भी, और साथ आपने जब आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप अपने जो ना लाइव आके तो अपने वॉच टाइम को भी इंक्रीज कर सकते हो। ये दो ऐसे मेथड हैं कि जिन पे आपसे कोई भी ऐसी जो ना प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके चैनल के ऊपर। बाकी जो भी आपको टिक्स बताते हैं या बताते हैं वो आपके चैनल के लिए रिक्स हो सकती हैं, जिससे आपके चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन में मसला आ सकता है। तो बस यार आज की यही छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।